शिवान हेलो जी हेलो गुड आफ्टरनून यस हाय शिवानी कैसे हो बच्चे एंड शाक्ति हाय हाय अदिति सही मैम इज लेट मैम इज नॉट लेट तुम वन मिनट अर्ली हो ठीक है ओके हाय राजेश हाय साई कैसे हो बच्चा हाय भारती हाय सुनील हाय एवरीवन यस यस शिवानी आई सी यू हाय अंशुमन जी Yes, Yes, Yes. Hi, Hi Hi, Hi everyone. Hello, Hello, Hello. Amita, टी hi. Hi, yes, yes, है पर पहले मैं one में revision करा दूं। आपके chapter का मेंटी बिल्कुल शुरू होगा आपका three thirty में शार्प शुरू करा दूंगी आपका revision भी करा दूंगी and we have two mentees इन special चीज आज ये है मैं बता देती हूँ सबको पता है आई गिव सर्टिफिकेट्स टू विनर्स राइट और स्पेशल क्लास में आई गिव टॉप फाइव सर्टिफिकेट्स एंड टॉप टेन सर्टिफिकेट्स ऑन संडे बट आज हम क्या करने वाले हैं वो आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप को बताओगे ठीक है हर एंटी में आई चूज टॉप थ्री आप तो फेयर है ना हाय पलक हेलो भारती परि अगर मेरा बाई चांस मिस हो जाए ठीक है तो भाई हेलो जी ठीक है हाँ जी ठीक है ठीक है बिल्कुल टॉप थ्री को मैं दूंगी बस मेरे साथ आप 3:30 तक रिवीजन कर लीजिए 3:30 से विल स्टार्ट अवर टू मेंटीज यू जस्ट हैव टू कम ऑन टॉप थ्री लिस्ट ऑन ईच मेंटी तो दैट डिवाइड्स लाइक सिक्स सर्टिफिकेट्स राइट तो बिल्कुल छह सर्टिफिकेट्स आज दे दूंगी मैं बिल्कुल आपको ही मिलेंगे ठीक है ओके देर टू मेंटीज बट फर्स्ट विल रिवाइज ओके ये सो लेट स्टार्ट ठीक है दिस इज मी दिस इज माई इंट्रोडक्शन आई माई मास्टर्स एंड बैचलर्स फ्रॉम हे तो जो मैटर एक्सपर्ट यू नो यार अब तो बहुत टाइम हो गया ठीक है ओके हाय खुशी थी शर्मा आई एम वेरी गुड हाउ आर यू बताओ हाय हाई यस यस ओके तो डेली टी ट्वेंटी सीरीज आपकी होती है एब्सोल्युटली फ्री आपको बस कोड डाल के उसे अनलॉक करना है और अपना प्रैक्टिस करना है और बस सब रेडी ठीक है दिस इज माय कोड ठीक है ये मेरा कोड है तो पेन टैप सीधा कर एस एम इज माय कोड बिल्कुल भूलना मत बच्चे ठीक है अगर आप डेली सेशन करते हो ज्वाइन हाय श्रीनिवास अग्रिमा अभी तक मेरे को पता चल चुका है दिस इज योर आईडी ठीक है ओके यस स्नेहा हाय 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 अलंकृता हाय एवरीवन ओके

जो बच्चे नहीं आते हैं मैं बिल्कुल नाराज हो जाऊंगी सची बता रही हूँ स्पेशल क्लासेस आपका कोड आपको अनलॉक करना है अपने दोस्तों को बता सकते हो अगर आपने ऑलरेडी अनलॉक कर दिया है तो ठीक है जी जो चीजें बदल जाती है हमारे आसपास हम बिल्कुल उनको कैटेगराइज करेंगे एक एक करके ठीक है जी

ओके क्रिएटिव कॉर्नर द बेस्ट पार्ट मेरे को जो लगता है अन अकेडमी ऐप में दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लॉगिंग स्टाफ आई एम अ ब्लॉगर सो बुक लवर्स कॉर्नर और आपका डिबेटिंग में पार्ट करना है जिसमें पार्टिसिपेट करना है आपको मैजिक ट्रिक्स ट्रिकने सब कुछ अन अकेडमी प्रोवाइड कराता है अपने न्यू सब्सक्रिप्शन प्लान में ओके पंकज थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग आई एम वेरी गुड हाउ आर यू बताओ मेरे को प्रणाम पीयूष कुमार प्रणाम प्रणाम अनन्या अनन्यास हाई एवरी वन ठीक है जी आधी क्लास तो तुम हाय हेलो हेलो हाय करने में निकाल देते हो है ना थैंक यू सो मच तनवी यस खुशी हैव टेकन योर नेम यस यस थैंक यू यश दैट इज सो स्वीट अच्छा आप उन मैम का पोर्ट्रेट बनाते हो ओके 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 सो लेट्स स्टार्ट ओके दिस इज माय कोड एंड हम जो आज चैप्टर टच करने वाले हैं बिल्कुल टच नहीं पूरा करेंगे डिटेल में चेंजेस अराउंड अस ठीक है उसमें आपको तीन चीजें आपको सपाट याद रखनी है वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल किसके अंडर आते हैं और केमिकल और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो सब कंफ्यूज हो रहे थे जब मैंने पहली क्लास ली थी दैट वॉज रस्टिंग ऑफ आयरन ठीक है जिनको रिएक्शन बिल्कुल नहीं आती उसकी वो भी डिस्कस करेंगे जिसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता वो भी क्लियर करेंगे ठीक है बच्चे बस याद रखना फटाफट से डाउट पूछ लेना बाई चांस मेरे मिस हो जाए ना क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो मेरे को माफ कर दीजिए क्या सिंपल से आप टेलीग्राम ग्रुप में आइए टेलीग्राम ग्रुप में मेरे को आप बता सकते हैं बहुत सारे ग्रुप्स हैं आप मेरे को बता देना कि मैम मेरे को ये चीज समझ नहीं आई थी तो मैं आपको पर्सनली जाके बता भी दूंगी ठीक है बाई चांस छूट जाता है तो ओके एंड ऑल्सो थैंक यू यूिति ऑल्सो लाइक दिस वीडियो यार लाइक like करने में क्या जाता है आपका ठीक है सुपर चैट थोड़ी मांग रही हूँ लाइक like कर दो वीडियो को फटाफट से ठीक है ये ऐसा जयप्रकाश हाई प्रकाश आई सेंड रोज मेरा पेपर रहेगा से से ठीक है मैं नहीं रखूंगी, फिर स्पेशल क्लास बजे रख चेंट वी कैन ब्रिंग अबाउट वन और मोर ऑफ दोसेस जब भी किसी का फेस का चेंज नहीं फेस का एक्सप्रेशन नहीं या किसी को मार के नहीं आना ठीक है आपका चेंजेस अराउंड अस होता है जब आप खेलते भी हो सब यू नोटिस एवरीथिंग दिस ठीक है हीटिंग करना अप्लाइंग फोर्स 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 धक्का मारना पुश पुश एंड एंड पुल पुल इज 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 अ अ व्हाट तो जहां पर भी आप अप्लाई करते हो फोर्स को इट ब्रिंग सम चेंज जैसे कि आपने रबर ब्रांड को स्ट्रेच कर दिया तो दैट इज अ चेंज राइट तो अब वो रिवर्सिबल है कि नहीं वो हम डिसाइड करेंगे बाद में एंड मिक्सिंग इट विथ समथिंग एल्स ठीक है चीनी पानी नमक पानी कुछ भी मिक्स कर लो आई एम जस्ट टॉकिंग इन जर्नल ठीक है कुछ भी मिक्स कर लो तब भी वो चेंज हो जाता है फोर्स लगा दो तो भी वो चेंज हो जाता है गर्म कर दो उसको तो भी हो चेंज है, बट क्या चेंज होता है, वो वो चेंज चेंज है है क्या होता हम डिस्कस करेंगे आगे जाके ठीक है हाय आशी ओके ओके ओके, ओके थैंक यू अजय प्रकाश थैंक यू सो मच ओके सिंगर सार्थक कैन आई एक्सप्लेन श्योर यू कैन एक्सप्लेन डिफरेंट चेंजेस ब्रॉडेस कॉज बायटिंग जब भी आप इस चीज को उबालने की कोशिश करते हो इंसानों को नहीं इंसानों को ज्यादा करोगे तो गुस्सा चढ़ जाएगा उन्हें नहीं वी आर टॉकिंग अबाउट योर वॉटर कुछ भी कुछ भी चीज ठीक है आपको उबालनी है आपको दूध उबालना है कुछ भी उबालना है सो वी नोटिस समथिंग दैट इज समेक्ट गेट हॉट बट डू नॉट चेंज इन एनी अदर वे कुछ चीजें ना कुछ भी कर लो हम तो चेंज नहीं होने वाले वो बस गर्म हो जाता है वो बस गर्म हो जाता है उनके मोलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं आपने नीचे से उसको हीट दी और उस भी लिक्विड होगा उसके सारे मोलिक्यूल्स हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से वाइब्रेट होने लग जाएंगे एंड सडनली अगर ज्यादा हीट दी तो बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस कर जाएंगे और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे दैट इज वट चेंज इज अबाउट ठीक है बट कैसे आप लेके आए दैट वॉज हीटिक ठीक है जी नहीं नहीं मेंटी कोई ओवर नहीं हुआ बच्चे मेंटी हमेशा मेरा आपको पता है एटलीस्ट थर्टी मिनट्स तो मैं रिवीजन करवा के ही जाती हूं ऐसा मैं कर ही नहीं सकती है मेंटी शुरू हो जाए पहले ठीक है ओके बिल्कुल चिंता मत करो आप थैंक यू सो मच आशी ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड ऑल्सो एक्सपैंड इन साइज अच्छा ये याद इतना मैंने मेंटी में ना एक क्वेश्चन रखा है तो प्लीज यार थोड़ा ध्यान दे लो ठीक है जब भी आप इस चीज को हीट करते हो लाइक ए मेटल ठीक है मेटल है कोई आपने हीट किया उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे फट नहीं जाएंगे एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे आपस में मतलब जैसे दो चेयर रखी है आपने हीट करी और वो दोनों चेयर स्लोली स्लोली आप हो रहे हैं तो दैट तो मीन्स तो वो एक्सपैंड हो रहा है अब वो जब एक्सपैंड हो रहा होता है ना तो उसको किसी भी साइज में घुसाना इट्स ईजी ठीक है सम ऑब्जेक्ट हॉट एंड बिगिन टू बर्न ठीक है उछलने लग जाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स दे शो डिफरेंट डिफरेंट ऑफ काफेक्ट या तो उबलेंगे या तो बम करने लगेंगे या तो वो साइज में एक्सपैंड होने जाए दिस इज ऑल अबाउट योर हीटिंग या समझो जैसे कि सब जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं दे गेट हॉट एंड दे चेंज द स्टेट स्टेट चेंज करना मतलब जैसे कि आपका लिक्विड था तो वो चला गया आपका गैस में तो तीन चीजें मैंने बताई या तो बम होने लग जाएंगे ऊपर उछलने लग जाएंगे या तो आपका एक्सपैंड कर जाएंगे या तो स्टेट ही चेंज कर देंगे स्टेट ही छोड़ के चल जाए से ऐसे कर देंगे वो ठीक है दैट आपको सेंटेंस खींचना होता है ना आंसर में तो अलग अलग साइंटिफिक वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं हीट एनर्जी इन हीटिंग प्रोसेस ठीक है गुड आफ्टरनून चिराग यस यस वट इज ओ पी मैम प्लीज सी अप प्लीज क्या हुआ बच्चे शिवानी हाय सक्षम कैसे गया पेपर ओके डोंट स्पैम ठीक है बच्चे स्पैम करोगे ना जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा बच्चे ऊपर ना कुछ नहीं दिख रहा मेरे को ठीक है तो प्लीज एक बार और डाउट पूछ लो प्लीज ठीक है चेंजेस बाय अप्लाइंग प्रेशर अब सेकेंड आता है आपका प्रेशर मतलब फोर्स काइंड ऑफ फोर्स अप्लाई करना तो क्या होगा एयर कैन भी कंप्रेस अच्छा जो लोग मेरे को इसमें कंफ्यूज होते हैं क्या है हवा कैसे कंप्रेस कर रहे हो मैम आप हवा को गैस की स्टेट में लेके आ सकते हो ना गैस की स्टेट में होता है उसको जिस कंटेनर या जिस सिलेंडर में फिल करोगे वो उसी की वॉल्यूम ले, ले लेता है वो उसी की शेप ले लेता है तो मतलब आप जहां गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे वो वहां जाके कंप्रेस हो जाएगा ठीक है आई होप इट इज क्लियर जिसको नहीं पता था कि गैस को स्टोर करके तो रखोगे ना किसी सिलेंडर में तो कंप्रेस करा जाता है सिलेंडर की शेप में ठीक है थैंक यू अजय प्रकाश थैंक यू सो मच गुड आफ्टरनून मैम आई एम तेजस्वी राजपूत हाई सो मेटल्स कैन बी अच्छा ठीक है आपने रोटी खाई है नहीं खाई तो खाई तो होगी रोटी तो ले जाते हो ना साथ में तो फॉइल कौन ले जाता है प्लीज ये मैं बोला एलुमिनियम के बिना रैप करके डाल देते हैं नहीं नहीं आपकी मम्मी हमेशा एलुमिनियम फॉइल यूज करती है तो एल्यूमिनियम को क्या किया जाता है बीट कर करके करके कर करके उसकी शीट बना देते हैं ठीक है अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम मेरे को एलुमिनियम फॉइल अच्छा नहीं लगता आई लाइक गोल्ड शीट्स ठीक है तो हाँ गोल्ड को भी बीट कर करके करके -कर उस मेटल का भी हम शीट बना सकते हैं सिल्वर की भी बना सकते हैं बट थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा इसलिए नहीं करते इसलिए हम वी यूज एलुमिनियम ठीक है सो इलास्टिक कैन बी स्ट्रेच yes, अच्छा ठीक है दिस इज माई रबर बैंड राइट नाउ दिस इज माई रबर बैंड जो मैंने अभी पहन नहीं रखा तो यू आर स्ट्रेचिंग इट ठीक है रिवर्स जा रहा है वो बट यू आर स्ट्रेचिंग इट यू चेंजिंग द शेप ऑफ द रबर बैंड इट हैज द इलास्टिसिटी इन इट सो इट कैन बी स्ट्रेच एंड नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट क्या है राइटिंग स्किल्स में बहुत टाइम लगता है अच्छा हाय श्रेया ना कॉटन कैन बी स्पर्म इन टू थिन थ्रेड्स ये हमने अपने फाइबर टू फैब्रिक में करा था इन द सेकेंड चैनल हमने ये चीज बात करी थी कि थ्रेड में कैसे कन्वर्ट करते सबको पता है फाइबर से यान से लेके फैब्रिक में बनता है थ्रेड्स उनको थिन स्ट्रैंड्स बोला जाता है तो ये भी बात सही है ठीक हाँ. yes, yes, है यस यस हाय खुशी हाय 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 वो रहीस लोग यूज करते हैं बिल्कुल सही गोल्ड शीट रहीस <laughs> कोई नहीं यूज करता बच्चे गोल्ड शीड एल्यूमिनियम यूज करते तुम्हारे सब सुपर स्टार जिनको भी तुम फॉलो करते हो चेंजेस बाय मिक्सिंग अ सब्सटेंस नाउ सी दिस पिक्चर क्लियरली मेरे को मैं अपना पचास बार बोल चुकी हूँ अपने सारे चैनल्स में वट इज सॉल्वेंट मेरे को कौन बताएगा सॉल्वेंट क्या होता है और सल्यूट क्या होता है फटाफट पट से बता दो मेरे को ताकि मैं पता चल जाए तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और मैं तुम्हारा नाम याद रख सकू जल्दी से बता दो ठीक है शुभ ओके okay. बच्चे अच्छा याद रखना रिविजन ना बार बार नहीं आती मिनट बार बार आ जाता है ठीक है यस yes. हाँ फोर्टी फाइव आर वॉचिंग जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को फटाफट से बताओ सॉल्वेंट जो मिक्स होता है अच्छा करुणा सिंह सॉल्वेंट जो मिक्स होता है ये yes, श्रीनिवास श्रीनिवास ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल के साथ बताया उसने देखो कितना इंटेलिजेंट है वो उसने बताया मैम जब हम चीनी पानी घोलते हैं तो पानी हमारा सॉल्वेंट होता है और सल्यूट हमारा शुगर होता है जब हम शुगर को पानी में मिलाते हैं है ना यस बिल्कुल सही शुभ जो ज्यादा अमाउंट में होता है मिक्सचर में या यू कैन सी सोल्यूशन जो भी ज्यादा अमाउंट में होता है मोर अमाउंट में होता है उसको हम कहते हैं सोल्वेंट नाउ यू कैन सी कि भाई वॉटर जरूरी नहीं है आपने किसी और चीज में मिक्स कर दिया और ज्यादा अमाउंट में मिक्स कर दिया तो ठीक है चलो मान लो आपने बोला हनी इज माई सोल्वेंट राइट नाउ तो ठीक है जो आपने ज्यादा अमाउंट में लिया उसको मैं बोलूंगी सोलवेंट ठीक है यस yes, अवनी वेरी गुड आई नॉट इग्नोरिंग बच्चे क्या होता है ना जब आप इतने सारे मैसेजेस करते हो ना ये सब तो फिर वो मिस हो जाता है ठीक है इसलिए ठीक है हाँ आर राइट सॉल्ट एंड शुग शुगर की जगह सोल्ट ले लो यार तो यारोल्ट भी वो हो गया तो जो कम अमाउंट में होता है लेस अमाउंट में उसको क्या कहेंगे हम सल्यूट तो अगर मैं सॉल्ट एंड वाटर की बात करूं तो सॉल्ट हो गया सल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट ठीक है हाय शिवांग ठीक है मैं ज्यादा कान पे चिल्ला रही हूँ अब स्पीकर में रियली सॉरी ठीक है यस 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 आई होप इट इज क्लियर आई होप इट इज क्लियर कि यार ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि सोल्यूशन में सोल्यूशन में आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्वेंट और सल्यूट तो प्लीज याद रखना जो लेस अमाउंट में होता है वो सल्यूट होता है जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्वेंट लाइक योर वॉटर वॉटर इज जस्ट एन एग्जाम्पल नॉट अ फिक्स वर्ड ठीक है क्लियर कट वेल डन सो हम आ जाते हैं अपने चैप्टर में चेंजेस बाय मिक्सिंग अ सब्सटेंस कुछ मिक्स करोगे तो पानी चेंज हो जाएगा ना है ना मीठा मीठा लगेगा आपको फिर आप उसमें नींबू डाल दोगे फिर आप उसका लेमिनेट बना दोगे वो अलग बात है ठीक है तो ये चेंजिंग थिंग्स लेक अबाउट मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग चलो भाई ये सारा खेल मॉलिक्यूल्स का है भाई ये सारा खेल मॉलिक्यूल्स का है ये जिस मॉलिक्यूल से वो वो सॉलिड बना होता है वो हीटिंग के वजह से वाइब्रेट करने लग जाते हैं और अगर आप बताओ अभी आप जिस चेयर आप बेड में बैठे हो ठीक है आप वाइब्रेट करने लग जाओ आपको पता है कि आप जगह घेरने लग जाओगे ठीक है यू आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस 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 तो आप जगह घेर रहे हो तो भाई एक्सपैंड तो हो गई आप बोलोगे सब साइड हो जाओ सब साइड हो जाओ ठीक है आप वाइब्रेट कर रहे हो यू आर वाइब्रेटिंग सो आपको स्पेस चाहिए तो इट एक्सपैंड ठीक है इट एक्सपैंड ठीक है फिर कूलिंग करोगे तो भाई कूलिंग कहते हैं टेम्परेचर डाउन कर दो तो वो कहेंगे नहीं वाइब्रेट मत करो वाइब्रेट बिल्कुल हिलो मत बिल्कुल क्लोज क्लोज आ जाओ तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो मेटल्स ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं ऑफ एक्सपेंशन एंड कूलिंग ठीक है वी सिंह मैम योर वॉइस इज वेरी लाउड लेट मी काम माई सेल्फ इट इज ओके अब ठीक है ठीक है गिरी ठीक है चलो एक्सपैंड व्हेन दे गेट वार्मर एंड दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे गेट कूलर दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल जब भी हमें कोई मेटल फिक्स करना होगा कहीं पर हम क्या करेंगे उसको एक्सपैंड करने कोशिश करेंगे ताकि वो फिट हो जाए भाई उसी शेप में फिट हो जाए ठीक है मैम योर शो क्यूट मैम योर शो क्यूट इंसान बॉइलिंग पॉइंट इज़ इक्वल टू पकाओ लोग है ना मैम अलंकृता अपलोस थैंक यू सो मच लक्ष्मी आचल थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच यू आर ऑल सो सो स्वीट ठीक है पहले भी बताया इस चैप्टर में फिजिकल केमिकल चेंज और एक रिवर्सिबल और इन रिवर्सिबल बार 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 हर एग्जाम्पल उसी में डिवाइड करता है तो आई होप आपको केमिकल चेंज समझ आता चेंज वो होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन से आपको कोई नया प्रोडक्ट मिलता है आपको एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है जो कि वापस नहीं जाना चाहता लाइफ में आपने मैगी बना दी अब बोलती हूँ मैं मसाला अलग करो और वो जो आपने आपने ऑल पर्पज फ्लावर मैदा वगैरह जो आपने मिक्स किया है मैगी का वो अलग करो मेरे को मसाला भी अलग कर दो सब अलग कर दो नहीं कर सकते ठीक है कुकिंग से आपने नया प्रोडक्ट बना दिया और आपने खा भी लिया फटाफट से ठीक है सो केमिकल रिएक्शन ऑफ अ नया प्रोडक्ट रिवर्सिबल जाना इट्स नॉट दैट इजी ठीक है सो दैट इज केमिकल चेंज तन में आई एम इन दिल्ली जय हिंद जय हिंद थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच दीपांशु हाय ओके आई होप यू रिमेंबर दिस की केमिकल चेंजेस सिर्फ उन्हीं को कहते हैं जहां केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और एक नया प्रोडक्ट आए और वो पीछे ना जा पाए तो हम कहेंगे केमिकल चेंजेस अब आपको पता है मैं पीछे ना जा पाए मीन्स इन रिवर्सिबल की बात कर रही हूं बार बार आई एम कनेक्टिंग केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस विद द इवर्सिबल रिवर्सल प्रोसेस ठीक है थैंक यू श्रीनिवास थैंक यू थैंक यू सो मच आप फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जैसे कि आप देख रहे हो सामने से कि यार आइस है आइस मेल्ट हो गई आपने कहा चलो कोई नहीं मम्मी मैं दोबारा से उसको फ्रीज कर देता हूँ so आपने सामने से देखा एक तो केमिकल रिएक्शन ने दिखती नहीं ठीक है आपको बस प्रोडक्ट मिल जाता है टेस्ट ट्यूब में बस आपको पता जाता है रिएक्शन हो गई आपको ये नहीं पता बचाता हुई कैसे ठीक है बट जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ना फिजिकल चेंजेस आप आंखों से देख रहे हो आइस पिघल रही है फोकस ठीक है तो फिजिकल चेंजेस आप एक तो देख सकते हो 90% परसेंट और, और और वो एक बार को रिवर्स भी हो जाएगी तो मैंने कनेक्ट कर दिया इरिवर्सिबल रिवर्सिबल और रिवर्सिबल और ठीक है ये आंचल वेरी गुड वेल डन बड़े यार बड़े प्यारे बच्चे यार यहां पर तो मैं बेफालतू तो में चल रहा हूँ यार एच सी ये रहा आपका केमिकल मॉलिक्यूसल चेंज ऑफ हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन पर वाटर और हाइड्रोजन परोक्साइड एक ही है मैम क्या हुआ मैंने एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ही हार्मुल है आपकी बॉडी के लिए जस्ट डोंट आस्क मैंने देखा है बहुत फ्यूम थी गलती है उससे तो H2O2 आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है जो यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है और एक है आपका पानी जो आप रोज पीते हो ठीक है लक्ष्मी 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 केमिकल रिएक्शन जब जैसे अच्छा ये केमिकल रिएक्शन है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है उसको रिवर्स कैसे ले जाऊं टुकड़ों में वापस हाँ अगर सिंपल प्रोसेस है कि आप रिवर्स ले जा सकते हो तो ठीक है ठीक ठीक है थीक है आई एम नॉट सेइंग कि केमिकल चेंजेस सारे इिवर्सिबल होते हैं कुछ होते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है बट मैं ये बताना चाहती हूँ उन्हें कहा जाता है जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो जहाँ पर कोई न्यू प्रोडक्ट बन रहा हो ओ माई गॉड लैपटॉप इज हिलिंग एल सॉरी तो आई होप लक्ष्मी यू रिमेंबर दिस केमिकल चेंजेस आर केमिकल रिएक्शन जो नए प्रोडक्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं एंड फिजिकल चेंजेस आर समथिंग जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता ठीक है थैंक यू दिवांश श्रीनिवास गुड क्वेश्चन मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी या यू कैन से नाइनटी परसेंट ऑफ फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल ठीक है ओके लेट्स मूव ऑन तो अब हमने क्या पढ़ा कि फिजिकल चेंजेस में क्या होता है लक्ष्मी के लिए भी बता रही हूं मैं कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा ठीक है H2O पानी आइस भी था और वही पानी भी था ठीक है वही पानी भी था तो केमिकल फॉर्मूला तो सेम था ना आइस भी उसी की है पानी भी उसी का है तो केमिकल फॉर्मूला सेम है ठीक है मखानी बच्चे हैं मखनी बच्चे हैं मख... अच्छा हाय हाय एवरीवन टाइम में बस शुरू हो जाएगा बिल्कुल थ्री थर्टी शुरू हो जाएगा बिल्कुल चिंता मत करो ठीक है अंडरस्टूड और आपके एड्रेसेस क्या, क्या है केमिकल उसके कि जनरली इरिवर्सिबल एक बार नया प्रोडक्ट बन गया उसके बाद रिवर्स करना इट्स नॉट इजी ठीक है और आपके सारे अब yes, okay, आप बात करते हैं लास्ट जो आपका सबसे मेन टॉपिक सेकंड टॉपिक था रिवर्सिबल इसिबल केमिकल और फिजिकल में चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी रिवर्सिबल सिंपल यार वापस खींच के ले आओ पर वापस ऐसे खींचना है कि वो वही प्रोडक्ट मिले वापस जैसे कि मेरे रबर बैंड का है 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 ये 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 मैंने खींचा खींचा और और वापस वापस मिल मिल गया गया लग भी सकती है। <laughs> तो ये और ये वापस मिल गया। तो ठीक रबर बैंड अगर वापस नहीं मिलता तो आप एक ही बार बाल नहीं बना पाते है ना है ना है ना तो ये आपका होता है रिवर्सिबल चेंज कि वापस उसी फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में वो प्रेजेंट था ठीक है Yes, I, Gauranj, Let's talk about irreversible. Abha, irreversible एक तो वो होते हैं जिनमें पंगा ये हो जाता है कि एक तो नया प्रोडक्ट बना के बैठ जाते हैं जैसे कि आपने बटर चिकन शाही पनीर बना दिया अब उसको रिवर्स कैसे ले जाऊं भाई मैं आपने पेपर जला दिया अपने करना मत ऐसे कभी ठीक है वापस आएगा नहीं अब तो हो गया भाई अब तो हो गया अब नहीं देख सकते तो ठीक है तो दैट बर्निंग ऑफ पेपर इज इिवर्सिबल वापस कैसे लेके आऊ कोरा कागज ठीक है चलो सी ये रहा आपका बर्निंग ऑफ पेपर जो मेरे को काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में बताया मैम डू नॉट शाउट स्पीक स्लोली अच्छा रियली really सॉरी मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा था मेरी आवाज नहीं जा रही ठीक है ना आज थोड़ा सा वॉल्यूम अपने कम कर लेना कोई नहीं

कुकिंग ऑफ फूड इज चेंज बाई वापस नहीं ला सकते एक बार बन गया तो बस खा लेना उसको वापस नहीं ले जाना हमें अब है मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है टेम्परेचर में जिसमें वो हल्का सा मेल्ट होता है बिल्कुल हल्का सा जैसे आपको टीचर बोले ना अब ये मेल्ट होना शुरू हो गया बस वो 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 पॉइंट आपको फिक्स कर लेना है वो पॉइंट वो टेम्परेचर रीच कर गया बस मेल्ट होना शुरू ये नहीं कि जब पूरा मेल्ट हो जाए तो मैं मार्क करूं मैम थर्मोमीटर में आ रहा था इतना टेम्परेचर नहीं इतना सा मेल्ट होता था एंड आई यूज टू राइट दिस टेम्परेचर मैम इस कंपाउंड का इतना मेल्टिंग पॉइंट है हल्का सा मेल्ट होता था मेरी लैब में और मैं उसको लिख देती थी मैम ये है दैट इज मेल्टिंग जैसे पॉइंट में आपका मेल्ट होगा बिल्कुल उसी पॉइंट को लिख देना मेल्ट ठीक है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग देखो लिखा भी यहाँ पर स्टार्ट नॉट मेल्ट पूरा मेल्ट नहीं हो जाता ठीक है शिवानी रियली सॉरी really क्या हो बच्चा मेरे बच्चे को क्या हुआ ठीक है यार कोई शिवानी का मैसेज पढ़ के मेरे को बता दो बाई चांस छूट जाए बॉइलिंग पॉइंट माय गॉड सच अ नाइस पिक्चर ठीक है बॉइलिंग पॉइंट oh nice भी सेम पॉइंट है बस बॉइल होना बबल्स बनना शुरू हो जाए बबल्स बनना शुरू हो जाएगा आपको पता चल जाएगा बस यार यही पॉइंट है यही पॉइंट चाहिए था तो बिल्कुल हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में जैसे पानी का होता है एंड वेपर एसीटोन का होता है सेवनटी एट डिग्री सेल्सियस तो अलग अलग कंपाउंड्स का बता रही हूं वाटर अलग है एसीटोन अलग है सी एच टी सी ओ सी एच थ्री तो इन सब का पॉइंट अलग अलग है सेवनटी एट एंड हंड्रेड तो ये नहीं है कि पानी का हंड्रेड है पूरी दुनिया में हंड्रेड है सब ठीक है वेल डन य बिल्कुल 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 सही जा रहे हो ओके ठीक है मैं अच्छा मिल्क का मिल्क का आ, डिवोशनल सार्थक मैं बताऊ मिल्क का ना कुछ वन हंड्रेड एट बोलते हैं कुछ या वन जीरो ना कुछ लोग जैसे मैंने अपने आप नापा और मैंने मिस कर दिया तो कुछ लोगों का वन हंड्रेड वन आता है और कुछ लोगों का या आता है तो हम इसका एवरेज निकाल के बोल देते हैं कि यार हंड्रेड पॉइंट समथिंग है एक बार में कभी मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता उसमें दस बार रीडिंग लेनी पड़ती थी मेरे को फिर उसका एवरेज निकालती थी मैं फिर मैं अपनी टीचर को बोलती थी मैम ये है पॉइंट ठीक है so, सो वन हंड्रेड वन वाटर और मिल्क का लगभग सेम होता है बट एग्जैक्टली हंड्रेड नहीं होता मिल्क का ठीक है यस 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 ठीक है हाई श्लोक अब ध्यान से सुना स्लो चेंजेस में आपको क्या आता है लाइक रस्टिंग रस्टिंग आराम से होती है ना आयरन की तो रास्टिंग आपका स्लो चेंजेस होता है नेचुरल चेंजेस इसमें आप खुद कुछ नहीं कर सकते दिन रात कब हो जाता है आजकल पता ही नहीं चलता लॉकडाउन में दिन रात कब हो जाता है पढ़ाई करते 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 दिन रात रात का दिन हो जाता है तो वो नेचुरल चेंजेस हम नहीं कंट्रोल कर रहे है। ठीक है लेट्स टॉक अबाउट योर डायमंड मैंने बहुत पहले अपनी क्लास में बताया था डायमंड इज नॉट फॉर ठीक है डायमंड इज नॉट फॉर एवर याद रखना वो अलग बात है कि डायमंड तब तक रहता है जब तक हम ही चल बसे ठीक है सौ साल के बाद ठीक है तो हम कहते हैं कि डायमंड इज फॉर एवर क्योंकि हमारी पूरी लाइफ में डायमंड डायमंड रहता है बट एक्चुअली में क्या होता है डायमंड स्लोली बहुत सालों बाद ग्रे फाइट में कन्वर्ट होने लग जाता है ग्रे फाइट ना बोथ द थिंग्स ग्रे फाइट एंड योर डायमंड आर मेड ऑफ कार्बन यस कार्बन के ही बने दोनों डायमंड और आपकी पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों की दोनों बने हैं कार्बन से तो कार्बन के ही फॉर्म है बस थोड़ा सा फर्क है यार ये कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का और ये कंडक्टर है इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट में और डायमंड में बिल्कुल नहीं होता इंसुलेटर होता है डायमंड ठीक है बट दोनों के दोनों कार्बन से बने तो धीरे धीरे क्या होता है डायमंड डिग्रेड होने लग जाता है और बहुत सालों बाद इट कन्वर्ट्स इनटू ग्रेफाइट ठीक है सो दे डू नॉट लास्ट फॉर एवर ठीक है मैम इट्स ट्वेंटी टाइम मैम इट्स ट्वेंटी टाइम अच्छा ठीक है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन तो कोई नहीं अब लास्ट टॉपिक है फिर तो उसके बाद विल स्टार्ट मेंटी मेंटी में तीन विनर्स होंगे ईच मेंटी में आपके तीन विनर्स होंगे तीन तीन विनर्स होंगे मेंटी टू में भी अच्छा मेरे को कौन बताएगा कि तीन तीन विनर्स कौन होंगे मेरे को याद तो रहेगा नहीं मेरे को याद तो रहेगा नहीं है ना क्योंकि वो विनर दिखा देता है सीधे तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि पहले मेंटी में टॉप थ्री कौन है दूसरे मेंटी में टॉप थ्री का वैसे मैं ध्यान रखूंगी ठीक है लास्ट uh, में पढ़ा रही पढ़ लो रेस्टिंग रेस्टिंग कर दिया ये भगवान रस्टिंग ऑफ आयरन रस्टिंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन मतलब उसका बिल्कुल ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन द आयरन विद वॉटर ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड मतलब पानी के साथ आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ऑक्साइड गेरा देखो एफ टू ओ थ्री इज द फॉर्मुला ऑफ दिस रस्ट मतलब अगर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है तो ये इिवर्सिबल जाएगा एंड इट इज अ केमिकल चेंज एंड इट इज अ केमिकल चेंज इवेपोरेशन और बॉइलिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है मोटरसाइकिल में टर्म यूज करते हैं एंड इवेपोरेशन बहुत ही बड़ा जर्नल वर्ड है जिसके अंदर एक बॉयलिंग पॉइंट आता है होती वेपोरेशन में भी वेपर कन्वर्जन ही है है ना तो बॉइलिंग पॉइंट का फर्क यह है कि टेम्परेचर हर किसी का अलग अलग होगा बॉइलिंग पॉइंट में इसलिए शेरनवास ठीक है अच्छा यस यस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे कि यहाँ पर आयरन ने ऑक्सीजन के साथ जैसी वो हवा के कॉन्टेक्ट में है और हवा में क्या है ऑक्सीजन या मॉइस्चर ठीक है मॉइस्चर भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए दोनों चीजें होने के बाद यू विल सी कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाएगा आयरन ऑक्साइड इज दी रस्ट जो आयरन के ऊपर बन जाती है जिसको हम कहते हैं लोहा खराब हो गया ठीक है तो वो लोहा खराब नहीं होता वो रस्ट होता है जो आपको बड़ा गंदा सा लगता है वो होता है Fe2O3 Fe2O3 Fe इज आयरन ऑक्सीजन होता है आपका O ठीक है तो फार्मूला क्या हुआ दो ऑक्सीजन और सॉरी uh, दो आयरन और तीन ऑक्सीजन ने बनाया रस्ट ठीक है हाय अश्विनी हाय एवरीवन बोलो बोलो सबको बोलो 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 समझ आ गया आगे समझ शिवानी कॉन्ट्रैक्शन इज जब सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास आ जाते हैं और बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करते वी से कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है धीरे धीरे ठीक है तो चलो भाई ध्यान रखना मेंटी में तीन टी में विनर्स और मेंटी टू में भी तीन विनर्स क्लियर चलो आ जाओ भाई साहब

ये शिवानी हाय आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ सब आ जाओ यस शिवानी थैंक यू द कोड इज थ्री जीरो फोर वन थ्री सिक्स टू लेट्स स्टार्ट फोर्टी फोर्टी थ्री लोग आए हैं अभी भी मैं वेट कर रही हूँ मेरे को पता सब नहीं आया कोई नहीं बच्चे सौम्या वीडियो ना हैंग नहीं होगी अभी जब स्टार्ट हो जाएगा ना वो हैंग नहीं होती वो डिले होना होता है उसमें इसलिए ओके लेट्स स्टार्ट सब आ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखो अभी बताओ चुनाव चेंजेस कैन बी रिवर्स रॉ एग टू बॉइल्ड एग क्लोथ टू ड्राई क्लोज बट टू फ्लाराउन टू बायोग ओके नो आई एम नॉट एंग्री विद यू ठीक really है एम रियली सॉरी ये लैग होता ही होता है मेंटी जैसे चालू होता है पता नहीं क्या हो जाता है मेरे उसमें लैग होता ही होता है हाय दीपक ओके द फास्टेस्ट देन अलंकृता फ्रॉस्टी जैसे केक के ऊपर फ्रॉस्टी होती है वैसी दीपांकर रीना उत्कर्षिता अभिषेक अनन्या और माधवी अदिति और न्यू स्टूडेंट ओके एंड देन आशी लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट अभी बिल्कुल खाता खोला है देखते हैं टॉप थ्री पे टिकना है टॉप थ्री हाय मना प्रंजल ओके हाँ, okay. द कैन नॉट बी रिवर्स सो इट मीन इिवर्सिबल पूछ रहे आपसे नेम इज दू रीड द लाइक बटन यार यारिवानी एक्सपेंशन होता है जब बिल्कुल मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस आने लग जाए एंड दे आर एक्सपैंडिंग टू सम न्यू स्पेस ठीक है बिल्कुल सही मिल्क टू पनीर बिल्कुल आज शाही पनीर खाई जाएगी सबके घर में नहीं शिवानी आई एम टॉकिंग टू यू यार ऐसे क्यों सोचते हो पता क्या है अगर तुम मेरी जगह होते ना तुम हर बच्चे को नहीं बोल पाते एंड कोई ना कोई मैं सोच जाता है बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बात नहीं कर रही है ना बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगी एक, एक बच्चे से बात करने की यहाँ पर वी आई यार अपना ना नाम बता देना जरा सर्टिफिकेट में लिखते वक्त फास्टेस्ट अभिषेक शुभम एंड देन अलंकृता रीना शुभी हार्दिक श्रीनिवास शिवांग हाय हाय मैम लेट्स सी नेक्स्ट क्या है सत्तर लोग आ चुके हैं हाय दीपांशु मिश्रा मेटल रिम इज फिक्स टू द वुडन व्हील बाय हीटिंग द अच्छा मैंने ये मेटल्स का हीटिंग एक्सपेंशन ना दबा के पड़ा है से करना कि मेटल रिम को कैसे मैं वुडन कार्ड के व्हील में पिट कर सकूं बताओ नवजोत से ट्वेंटी फाइव सेकेंड्स लैग है चिंता मत करो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा लैग थोड़ी रोक सकता है हमें सर्टिफिकेट देने के लिए है ना हेलो तृप्ति लव्स अलंकृता मैं अपने बच्चों से एंग्री नहीं होती तो मेरे बच्चे पूछते रहते मैम आर यू एंग्री आर एंग्री एंग्री किसी और से होती हूँ और जिससे नहीं होती वो पूछ रहे होते अभिषेक शुभम अलंकृता रीना शुभी श्रीनिवास देवेश आदर्श साई एंड तृप्ति आर ऑन लीडर बोर्ड गुड ओके okay, बच्चे नवजोत का हैप्पी बर्थडे है ओके भाई हैप्पी बर्थडे हाय अनन्या ऑन ईटिंग द मेटल रिम यार ये उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया है क्वेश्चन को आप जल्दी से जवाब दे दीजिए बिल्कुल एब्सोल्युटली सबके लिए टाइम के हिसाब से मैंने टाइमर में रखा है जल्दी बता दो यस मैम सक्षम से पूछो हमारे बॉस का नाम क्या है कौन है बॉस ओके okay. जल्दी से तो बता दो चार सेकेंड बजे सुधा यस थैंक यू सो मच नो यू आर क्यूट मैं क्यूट नहीं हूँ तुम क्यूट हो ठीक है वरना कल मैं अनलर्न में आने वाली हूँ तो आपकी मर्जी अबाउट समथिंग न्यू ठीक है आई जस्ट वॉन्ट यू की यारोंग टर्म मेमोरी में घुस जाए बस ये टॉपिक और अब याद रखोग ने ये चीज बताई थी मैं बस खुश हूँ दुनिया ठीक है शुभम अलंकृता फास्टेस्ट अभिषेक रीना शुभी श्रीनिवास दिवेश आदर्श कृषि है साई, वैष्णवी थैंक यू, क्या बात है मतलब है तुम्हें तुम क्यूट हूं बर्निंग कैंडल इज नॉट रिवर्सिबल बिल्कुल कब कहूंगी कि बिल्कुल लाइक like, कैच uh, नहीं कर सकती अब बिल्कुल छूट गया हमसे तो कौन सा स्टेप है इनमें से कि मैं बिल्कुल कैंडल को वापस सॉलिड फॉर्म में वैक्स में नहीं ला सकती बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है यस शिवानी स्पिरिट अच्छा मेरे को पता है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड कई बार नहीं हो पाता नो no वरीज मैं बस चाहती हूँ आप अपना बेस्ट हो आप जिस भी उसमें हो ना आप नब्बे लेके आ रहे हो 95 फाइव लेके आ रहे हो बस उससे ऊपर लेके आओ मेरे को खुशी होगी एक ना एक दिन आप हंड्रेड बाय हंड्रेड में पहुंच ही जाओगे। ठीक है? नहीं था। अगर वैक्स को मैंने हीट करा और वापस उसको हीट करके सॉलिडिफाई कर दे तब क्या बात करते हो यार तुम पता नहीं बच्चे अग्रीना अग्रीमा मेरे को नहीं पता ओके तो शुभम हमारे पास चल रहे हैं 4938 अभिषेक 4922 कृषि 4086 तो ये तीन लोग काफी क्लोज चल रहे हैं बट ये टॉप थ्री अगर रहे तो इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ठीक है शुभी साई तृप्ति दिव्यांशु सोनीरा नित्याश्री योर फैन ओके okay? अलंकृता देन लेट्स सी देन फेब से स्कूल ओपन है शिवा अच्छा अलंकृता सारे ऑप्शन में से मैं सबको एक बार को टेन टू ट्वेंटी परसेंट कैंडल वापस ला सकती थी बट जब वो फ्लेम में उड़ जाएगा ना तो उसको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा विच इज अ वे टू मेक अ चेंज हैपन है शिवानी यू वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट एक्चुअली पता क्या शिवानी यू आर सो स्वीट जब मैं पहली बार आई थी में आई रिमेम्बर शिवानी वॉज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी मैम ये है वो है तृप्ति सक्षम अलंकृता और श्रीनिवास ये सब पुराने बच्चे हैं मेरे जो पहले चैनल से थे आई यूज़ टू टीच समैक सी बी एस सी सिक्स में थी मैं ठीक है तो इसलिए बट हाँ इस नए चैनल में शिवानी वॉज द फर्स्ट वन यस बिल्कुल सही ऑल ऑफ दीस गुड वर्क गुड वर्क

Yes, टी आना है और उस वाले में भी टॉप थ्री आना है yes, yes, प्रंजल शिवा क्यों नहीं ले सकते आप मिन्टी रेस्टिंग ऑफ आयर अभी बताया कि इट इज अलो चेंज या फास्ट चेंज मैंने बहुत जल्दी बताया था कि उसमें पूरी रिएक्शन होती है आराम आराम से उप्स मैंने आंसर बता दिया बट आई नो कि इतना लैग कर रहा है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सेकेंड तक तब तक तो, तो कर चुके होगे तुम तो। आने के आदमी आप में भी जब मैं स्पेशल क्लास लेती हूँ तब ठिंड देने का बात बनती कि वो पहुंच जाती है आप तक बात स्पेशल क्लास में आ जाना यार तुम सब आ जाया करो मैं दस बजे रखूंगी ठीक है ग्यारह बजे दस बजे रखूंगी आ जाना ठीक है मैं सबका वेट करूंगी अन अकेडमी ऐप लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और स्मृति मैम को ढूंढ लेना स्पेशल क्लास में टाइमिंग अपनी ठीक है मेरे में भी आ जाना यार दस बजे आ जाना सुबह सुबह ठीक है सुबह सुबह मेरा चेहरा देख लेना बस मैं नहीं चाहती ठीक है स्लो चेंज इज करेक्ट यश शिवानी कैसा बच्चा ओके ओके अच्छा डोंट वरी ये रिविजन सीरीज चल रही है पूरे दो हफ्ते तक चलेगी ताकि जब आप आपका फाइनल आने वाला होगा आप चैप्टर में एक एक डिटेल पढ़ चुके हो गए विद क्वेश्चन छूंगी मैं ठीक है उसमें हम क्वेश्चन भी एड कर लेंगे क्योंकि यार मेन तो वही है है ना मैं क्वेश्चन सीरीज नहीं लिखूंगी मैं रिविजन सीरीज लिखूंगी बस क्वेश्चन और थ्योरी साथ में एड कर दूंगी एंड मेन्टीक्विज ऑल्सो ठीक है मेरे क्लास से पूछने की जरूरत नहीं है मेन्टिक्विज में रखूंगी ठीक है शुभम अभिषेक कृषि फास्टिस्ट है दिव्यांशु श्रीनिवास यस गुड और हम जल्दी ही जल्दी ही जल्दी हम वो वाली सीरीज रख रहे हैं जब हम पेपर प्रेजेंटेशन स्पेशल क्लास में मैं रखने वाली हूँ पेपर प्रेजेंटेशन ठीक है उसमें हम डिस्कशन करेंगे मोस्टली कि क्या कैसे आंसर बेहतर करा जाए कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू लिक्विड हीटिंग इज कॉल्ड या फ्रीजिंग यस 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 डमी ऐप में सर्टन फ्री जैसे कि आपका स्पेशल क्लासेस जस्ट टू शो यू कि प्लस कैसा चलता है एंड प्लस में आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका ही बेनिफिट है और ज्यादा आपको प्रोवाइड होता है ठीक okay? है मैं क्लास सेवन में हूँ मैं सिक्स टू एट सबको पढ़ाती हूँ बच्चे बट करेंटली आई एम फोकसिंग मोर ऑन सिक्स क्लास ठीक okay? है मैं आई आई टी जेई की क्लासेस भी लेके आई हूँ अभी तो सिक्स टू ट्वेल्थ मैं पढ़ाती हूँ बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे जब तो तुम स्कूल पास आउट नहीं होते उसके बाद ही पीछे नहीं छोड़ूंगे किसी ने साइंस ले ली तो ठीक है तो मेल्टिंग इज द करेक्ट आंसर ओके शिवानी डन ओके इज़ ऑन टॉप कृषि और शुभ भी चल रहे हैं ठीक है भाई मेरे को ना नाम याद दिला देना मेरे को नाम याद नहीं रहेंगे वरना ठीक है हाँ सी ओके आई आईल वेट फॉर दैट ठीक है ओके तेन में ओके नो प्रॉब्लम बच्चा बस आप अटेंड कर लो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कुनाल हाय ठीक है शिवानी आई वेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड चेंज कुछ चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो क्या है अच्छा तहासरा कह रही है कि मैम साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट माइंड टू बोलो हाई फाइव यमुना वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल क्लासेस मैं बायोलॉजी साइंस लूंगी गुड गुड हाँ तृप्ति यस ठीक है यस दिन और रात पता ही नहीं चलते कब चले जाते हैं लेट्स सी कौन क्या कर रहा है ऑन टॉप, कृषि सेकंड थर्ड, अभिषेक, लेट्स सी, लास्ट क्वेश्चन है फिर हमें टॉप थ्री मिल जाएगा टॉप थ्री का एक साथ नाम लिखा जाएगा नो मैटर आपके पॉइंट्स क्या है आपके पॉइंट्स क्या है बस फर्क पड़ता है टॉप थ्री में हो कि तो क्विकली अलंकृता सिंह तृप्ति एंड मैं मैम के रिश्तेदार आज का सबसे क्यूट एंड अच्छा सेंटेंस अच्छा यस तृप्ति गुड ये बहुत ही ऑब्वियस आंसर है ओके okay, शिवानी बाय मिस क्लिक हो गया कैसे हो गया महेंद्र ये क्या बोल रहे हो तुम शुभम शुभ एंड लेट्स तो शुभम कृषि शुभम टॉप पे है फर्स्ट देन कृषि एंड देन शुभ ठीक है शुभम कृषि एंड सी क्विकली विल सी दिस शुभम कंग्रेचुलेशन बच्चा ठीक है कृषि एंड शुभी अब हम विल मूव ऑन टू द सेकेंड मेंटी कोड ध्यान से देख लेना ठीक है कोड है आपका टू सिक्स सेवन थ्री फोर टू एट क्या बात है तनवय कुमार एक्सप्रेशन जम गया वाली ओ हेलो शिवा <laughs> पता नहीं बच्चे हाई कृषि यस कॉन्ग्रेचुलेशन्स माई मदर इज़ अस्ट फैशन डिजाइनर एंड माई सेल्फ न्यूराव नाइस अच्छा एम शिवान ओके 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 थैंक यू सो मच अग्रिमा दिस इज सो नाइस टू सिक्स सेवन थ्री फोर टू एट जिसको नहीं पता उसको बता रही हूँ

chalo Sakuntala is yellow fish to open a bottle of bottle cap immerse in hot water for 5 minutes as kya hoga usse? expand hoga and open easily contracts and open easily no changes in the size if first contracts and then expands easily yes george thomas tell me द कोड इज टू सिक्स सेवन थ्री फोर टू एटनाक्षी शिवा इज द शिप नाइस क्यू करते है कि गर्म पानी में डालने को बोला जाता है बिल्कुल सही है ऑप्शन ए इट एक्सपैंड एंड इट प्रॉपरली ओपन हाँ जी आई एम कूल आत्मा उत्तरी चलो भाई देखते आरुष के कैसे हो भाई बड़े दिनों से दीपांकर शुभम अलंकृता रीना अभिषेक अनवेश कैसपर सुनेरन लीडर बोर्ड लेट्स आज क्या होता है क्या नहीं बता क्यों मैंने टॉप वैसे मैं हमेशा विनर्स को देती थी But इस बार मैंने क्या किया है टॉप थ्री टॉप थ्री रखे क्योंकि यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं इट इज वेरी टफ टू कम ऑन ओनली ऑन द ठीक पोजिशन लैग तो होता रहता है यार आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द रिम इज यूजलीटिंग द आयरन लंबा सेंटेंस स्ट्रेच कर दिया उन्होंने हाय चंचल गुड आफ्टरनून आई एम गुड कैसे हो आप क्यों आचल क्या हुआ कैसे ध्यान क्या हुआ I am Yogita, your voice is so sweet. Thank you. Now you Now had to see the complete sentence. योर जाके फटाक से स्वीट थैंक ना यू है आपको थोड़ा yes, सा YouTube में ना यही पंगा रहता है कि थोड़ा सा ना lag हो जाता है शुभम दिव्यांश अन्योगिता एलसा त्रिशा and दीपांकर एंड शुभम see सी next वन ज्वाइन कर पा रहे में जा और कोड डालो अगर आपको नहीं खेलना इट्स ओके अगर मन कर रहा है तो आ जाओ क्यों मन मार रखा है आपने आ जाओ जल्दी से चेंज ऑफ अ बर्ड इन टू फ्लावर इज चेंज विच के नॉट बी द कट मतलब एक तरह से घूम गुम घुमा के बोलना चाह रहे हैं मतलब उसके तरह कौन सा और है आ जाओ भैया आ जाओ सब आ जाओ हाय आदर्श मिश्रा ओके लेट्स सी तन्मय कुमार सुनीरा दिव्यांश, फास्टेस एंड अनवेश फिर अलसा त्रिषा रीना शुभम श्रीनिवास फ्री निथ्या एंड शुभम यस yes, तन्मय कुमार क्या हुआ? अ ग्रेट मैम मैम फ्रॉम वेयर डज आई गेट चैप्टर टेन साइंस एंड अनकेडमी अच्छा बच्चे रीमा सेनी uh, मतलब मैं आईडी का नाम ले रही हूँ आई एम से अन अकेडमी इन न चैप्टर्स लगातार हो रहे हैं like, लाइक ये आई हेव ऑलरेडी टॉर्ड दिस इन द प्रिवियस चैनल तो आई एम जस्ट रिपीटिंग बिकॉज ऑफ द रिविजन और थोड़े और टॉपिक्स एड करके ऑफ कोर्स ये तो आई एम डूइंग दिस तो बाकी एजुकेटर भी आपका रिविजन सीरीज चला रहे हैं तो आपको टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको एक एक टॉपिक बार बार मिल जाएगा जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तब आपको इंटैक्ट मिलता है कि यार इसमें ये है इसमें ये है इसमें ये है स्पेशल क्लासेस आपके लगातार हो रही है फ्री क्लासेस हैं वो बट उसमें चैप्टर यू हैव टू 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 आस्क द गिव इट यू नेक्स्ट है ये वाला चैप्टर अगर आपको रखना हो तो आपको उनको बोलना पड़ेगा ठीक है आर यू रोल द डॉग टू मेक द चपाती उसको रिवर्स में कर सकती हूँ जैसे कि मेरे को रोटी नहीं बनानी मैंने गोला बनाया और वापस उसको डाल दिया ठीक है जब तक तो रोटी पकी नहीं तब तक आई कैन मिक्स इट विद द डॉग ठीक है एंड सुनीना दिव्यांश एंड देन अनवेश त्रिषा श्रीनिवास अभिषेक फास्ट रीना अनन्या शुभम एंड अलंकृता लव तृप्ति आपस में ही तृप्ति लव अलंकृता अलंकृता लव तृप्ति मैं मैं कहा गई ओके ओके आई जस्ट डाउनलोड दिस ओके बच्चे गुड 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 ठीक है डोंट फॉरगेट टू अनलॉक विद कोड माई कोड इज एस एम आर ए एन ए उसको कोड को अनलॉक कर लेना स्पेशल क्लास आपकी खुल जाएगी ठीक है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट बी रिवर्स बताओ हाय ब्यूटी मंडल आई एम नमिता हाय नमिता यस वी आर फ्रेंड्स एवरीवन हियर इज अ फ्रेंड डोंट वरी शिवा यस नमिता ऐसे हाय बच्चे यहाँ ना लैग होता है तो जब आप कोई मैसेज करते हो ना तो वो मैं एटलीस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स सेकंड्स बाद आप पे मैसेज uh, पहुंचता है मेरा यस yes, अग्रिमा क्या हुआ सुनेर तो इज द दिव्यांश त्रिषा रीना शुभम अन्वेश अभिषेक अलंकृता श्रीकृति एंड श्रीनिवास गुड यस yes, आशी आप तो दुखी नहीं हो तीन चार क्वेश्चन बचे हैं अब हाय क्या आशी बिना किसी मैसेज के कैसे आ रहा है मेरे पे थैंक यू अग्रिमा तो मनीष इज राइटिंग सम आई डोंट नो मनीष कौन है बट चलो मान लेते हैं इज राइटिंग सम अबाउट चेंजेस चूज द स्टेटमेंट वे यू कैन करेक्ट अबाउट ये कौन सा सही लग रहा है पूरा सेंटेंस पढ़ो और फिर देखो वो सेंटेंस उसके फर्स्ट हाफ से मैच कर रहा है नहीं कर रहा देर इज ए यूनिक कोड सी क्विकली हम देखते हैं फिर हम सर्टिफिकेट की तरफ जाएंगे जो जीत गए हैं वो ध्यान रखना वो रहे सर्टिफिकेट सेरेमनी के लिए आरुष के इज़ ऑन टॉप क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बच्चे देखो आपका रिवीजन सीरीज ना दो से चार चैप्टर्स चूज कर रखे और आपको पूरे दो में मत करो क्या? जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ वो तो मेरी तरफ से फुल एंड फाइनल है बाकी आपके एडुकेटर्स भी पढ़ाएंगे तो वो भी आपको फुल एंड फाइनल पढ़ा देंगे ठीक है तो बिल्कुल चिंता मत करो नेक्स्ट क्लास है ऑल्टरनेटिव डेज में आती हूँ मैं yeah. बिल्कुल सही सीमा okay, so हम देखता, फिर लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है फिर सर्टिफिकेट सेरेमनी करते हैं hey, तू? आज है प्रपोज डे किसने यार मैं घर में बैठी हुई क्या प्रपोज डे क्या रोज डे है ना मेरा सब तुम ही हो सब तुम मेरे बच्चे ही हैं सब मेरे बच्चे वैलेंटाइन डे मना रहे होंगे मेरे साथ संडे को पायल इज राइटिंग सम सेंटेंसेस अबाउट चेंजेस चूज द स्टेटमेंट वे यू कैन करेक्ट अबाउट चेंजेस कैन यू हैव टू सी द ऑप्शन नहीं अभी मैंने चेंजेस अराउंड से छेड़ा है अभी तो यार वीक शुरू हुआ है मंडे है और गेटिंग टू नो प्लांट्स के क्वेश्चन करा दिए मैंने इस वाले चैनल में यू कैन सी दैट आल्सो ठीक है आशी बच्चा क्या घर जा रहे हो ब्लैंक मैसेज भेज जा रहे यस yes. अच्छा अच्छा अलंकृता इज से आई प्रोपोज स्मृतिमा ओके लास्ट क्वेश्चन फिर हम देखेंगे यहाँ से टॉप थ्री कौन निकलेगा क्वेश्चन नंबर नाइन दे आर गिवन सम स्टेटमेंट्स अबाउट डिफरेंट चेंजेस चूज़ द स्टेटमेंट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द इररेवर्सिबल चेंजेस इररेवर्सिबल वापस नहीं जाना जल्दी बता दो तुम्हें क्या मजा आ रहा है ब्लैंक मैसेज भेजने में है लेट्स सी। ओहो ट्वेंटी और चौदह लोगों का इधर उधर हो गया नहीं रहते का लेट्स सी कि टॉप थ्री कौन है टॉप थ्री है इसमें से सोनेरा दिव्यांश एंड अलंकृता सोनेरा इज द फर्स्ट वन सोनीरा एंड दिव्यांश एंड अलंकृता दिव्यांश एंड अलंकृता ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हमारी अलंकृता टॉप थ्री थ्री फर्स्ट मेंटी और सेकंड मेंटी से यस ओके ओके लेट्स द सेरेमनी ओके फर्स्ट मेंटी के फर्स्ट विनर है शुभम ये आए हैं फर्स्ट तो आई एम राइटिंग फर्स्ट ठीक फर्स है फर्स्ट मेंटी में आए हैं फर्स्ट फिर है फर्स। फिर हमारे पास कृषि कृषि क्रिश, आए है सेकंड ठीक है फिर है हमारे पास शुभी मेरी अगेन ओल्ड स्टूडेंट जो आए हैं थर्ड और फिर है सेकंड मेंटी के सोनेरा दिव्यांश एंड अलंकृता तो स, आप हमारा नाम लिख सकते हैं सोनीरा

कोड एस एम आर ए एन ए स्मृति राणा का एस एम एंड राना देन ओके अब आप मिलेंगे बैठने से तीन बजे और कल मेरी अनलर्न वाले में तीन बजे क्लास है सो यू कैन एबसन दैट एंड सुबह सुबह मेरी होती है ठीक है तो वो भी ज्वाइन कर लेना ठीक है जी आई एल मीट यू बाय